अथर्व का झूठ वंदना ने जाना। मेरी मम्मी ऑफिस में काम करती है, सुबह 9 बजे जाती है और शाम 6 बजे आ जाती। सजा देने के बजाय राजेश और वंदना ने एक नया तरीका अपनाया। ये गेम बड़ा आसान है, करना हमें बस एक काम है, कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है। अथर्व, वन। बेटा, सुना तुमने? कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है? ऐसे खुद ही अथर्व बोल के यहाँ पे टिक मार्क नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने कहा कि अथर्व बेटा एक ग्लास पानी लेकर आओ, फिर अथर्व। या फिर मैंने कहा सखी मेरा मोबाइल कहाँ है, तो फिर सखी, राइट? आज पूरे दिन भर में जिसके कॉलम में सबसे ज्यादा टिक मार्क्स होंगे वो विनर होगा या होगी। ओह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं ही जीतूंगी। देखते हैं। सुनिए, मेरा नाम क्या है? मिस्टर, अगर मेरे नाम के सामने आपसे ज्यादा अगर टिक लगे ना, तो कल से मेरे लिए चाय आप बनाइए। हाँ मिस्टर। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड नो चीटिंग, नो हेल्पिंग ईच अदर, ओके? बंधु, मेरा टिफिन। हाँ, ये सुन रहा। मम्मी, मेरे सॉक्स कहाँ पे है? हाँ बेबी, दे रही हूँ। वंदना, मेरी डायबिटीज की दवाइयाँ मंगा ले बेटा। मम्मा, कल का पास्ता बहुत चीजी था, थोड़ा कम चीज डालो ना। ओके। वंदना बेटा, जरा अदरक वाली चाय बनाऊंगी बेटा। वंदना, हाँ जल्दी आ, वो देख अवंतिका ने ना उसकी सासू माँ के खीर में जहर मिला है। मम्मी पानी। वंदना। मम्मा, मेरा पिंक टॉप कहाँ पे है? राधिका, तेरा सिर्फ 7, देखो तुम्हारा 15, लोग क्या कहेंगे? कहीं तो नाम ले लेना चाहिए था, तुमको पहले मौका दिया था। मिस्टर बू, मिस्टर नाम नहीं ले सकती थी मेरा? 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73. वंदना इज अ क्लियर विनर। होता क्या है? मुझे लगता है चीटिंग। कैसे? इट्स अ प्रोफेशन, मम्मी का यही काम है। लेकिन हमने तो सुना था कि मम्मी कहीं जॉब करती है। बंधु, ये कब से होने लगा? नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड में नहीं मम्मी, अथर्व का अपना एक वर्ल्ड है, उसमें उसकी एक इमेजिनरी मम्मी है जो जॉब करती है। तूने ऐसी कोई स्टोरी बनाई? सिर्फ क्यूबिटिक्स क्लास में। और क्या जरूरत थी? वो सबकी मम्मी कुछ ना कुछ करती है, डॉक्टर है, लॉयर है, एनिमल साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझे और फील हुआ। और ये जो 73 टिक्स हैं, वो क्या है? ये एक जॉब नहीं है, ये 73 अलग अलग जॉब्स है। ये ऑफिस है मम्मी का और हम उसके क्लाइंट्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है और कुछ बेशरम है। सॉरी मम्मा, मैं नहीं चाहता था कि सब आपको डम समझे। डम? आई मीन कि मैं नहीं मानता, और सबको यही लगता है कि जो होम मेकर होती है वो कुछ नहीं करती। किसने कहा तुमसे? डैडी, आपके हिसाब से मम्मी क्या है? You said it, homemaker. Correct. मैं भी होम का चिराग हूँ, पर ये कौन सा इंट्रोडक्शन हुआ? आई मीन, ना मम्मी कमाती है, ना बिल्स भरती है, ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है। मैं खाना नहीं बनाती तुम लोगों के लिए? वो तो आशा ताई भी बना लेगी, ये हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अथर्वा, डैडी आप ही सोचिए, मम्मी ऐसा क्या करती है जिससे वेल्थ क्रिएट हो? ये कहां से तुम पढ़ के आते हो? मैथ्स में भी सिखाया है कि जीरो की वैल्यू जीरो है, तो फिर मम्मी को मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू दी, करियर दिया, क्या गलत किया? राइट।
जाने दो ना राज, नहीं समझेगा वो, वो छोटा है अभी। वो नहीं बंधु, तुम शर्मिंदा हो। मैंने मदरहुड की छलांग तो लगाई लेकिन मेरी क्रैश लैंडिंग हो गई। मेरे बेटे की नजर में मैं सिर्फ एक जीरो हूं। बेटे से ज्यादा मम्मी को कॉम्प्लेक्स है, लगता है तुम्हें किसी तराजू में तोलकर तुम्हारी वैल्यू तुम्हें समझानी पड़ेगी। तराजू में किसके साथ तोलोगे? वॉशिंग पाउडर के साथ या फिर फिनाइल के साथ या मटर के छिलकों के साथ? आज मैं क्या हूं तुम लोगों के घेरे के बाहर? क्या क्या पहचान है मेरी? ग्रॉस वैल्यू 73 टिक्स, नेट वैल्यू 0। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। अथर्व बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। यस डैडी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फ्रेंड्स के मम्मी के मुकाबले कुछ भी नहीं करती, अग्रीड। लेकिन उसकी एक वजह है, उसे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। यार डैड, लेकिन मेरी फ्रेंड्स की मम्मी जो भी काम करती है ना, उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस और पढ़ाई की ही जरूरत है, जो मम्मी के पास भी है। लेकिन मम्मी फिर भी घरेलू टाइप्स काम क्यों करती है जिसमें मम्मी पैसे भी नहीं कमा सकती? क्योंकि मम्मी के काम की वैल्यू आज तक किसी ने पैसों से नहीं लगाई है। लेकिन लेकिन अगले दो दिनों तक मेरे कामों में मेरा असिस्टेंट बनकर तू मेरी हेल्प करेगा, और मुझे मिले या ना मिले तुझे तेरे काम की सैलरी जरूर मिलेगी। You mean actual पैसे? My first income? Yes, लेकिन हर काम की फीस तू खुद तय करेगा, ओके? ओके। सुना हो? मम्मी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है उसका असिस्टेंट बनके, ओके? ओके, done daddy. देख, मेरे पास सामान के सेम लिस्ट की दो कॉपीज हैं। ये वाली कॉपी तू रख। अब इस लिस्ट में जितना भी सामान है वो तू 10 मिनट में इस ट्रॉली में डालकर तू मुझसे मिलेगा। Only in 10 minutes. 10 minutes? Yes. और same time में मैं भी यही काम करूंगी, ठीक है? देखते हैं पहले कौन करता है। नहीं नहीं, लेकिन अगर आपने अपना काम पहले complete किया, तो फिर मेरा काम जो होगा वो तो waste हो जाएगा। नहीं waste होगा baby, तू जो काम करेगा उसके पैसे तुझे जरूर मिलेंगे। तू कितना काम करेगा उस basis पे, okay? And your time starts now. Go go go. Okay. चाहिए 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 please please चाहिए चाहिए। हेलो यंग मैन। हाय। कैन आई हेल्प यू? यस, मुझे नमक चाहिए। अच्छा, कौन सा? सादा नमक, शेंडा नमक, ब्लैक नमक, आयोडाइज नमक, लूज नमक, ब्रांडेड नमक या पिंक नमक? अंकल मुझे ना 10 मिनट में ये सब कुछ लेना है, अब कोई भी नमक ले आइए, अच्छा वाला। नमक सारे अच्छे है बेटा, तुम्हें कौन सा चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ। तक आपने ये साबुन दीजिए जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है। अच्छा, जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है वो साबुन, कौन सा चाहिए? नहीं आई मीन आपका मशीन फ्रंट लोडेड है, टॉप लोडेड है, आपको डिटर्जेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए या फैब्रिक सॉफ्टनर भी चाहिए? अंकल अब इतना सब मत पूछे ना, अब प्लीज कोई भी साबुन दीजिए जो चय नहीं होना चाहिए। चय मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। साबुन गंदा? बेटा साबुन गंदा नहीं हो सकता, अगर साबुन गंदा होगा तो कपड़ों में से गंदगी कैसे निकालेगा? ओह गॉड, 2 मिनट खत्म हो गए, आप ना मेरी फर्स्ट इनकम भी कट जाएगी, मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। हाँ प्लीज सोप रहने दीजिए, ठीक है? आप ऑयल दीजिए, राइस ब्रैन ऑयल, नीलगाय हिरन छाप राइस ब्रैन ऑयल ले आइए। ओके, 1 लीटर पैक, 2 लीटर पैक, 5 लीटर पैक, रिफिल पैक या प्लास्टिक पैक? इसमें भी ऑप्शन है। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। थैंक यू। मम्मी मैं तो 10 मिनट में सिर्फ ये 3-4 सामान ही ला पाई लिस्ट में से। कोई बात नहीं, लिस्ट का सारा सामान मैंने ले लिया है, ठीक है? और तूने ये जो 3-4 चीजें ली है ना, वो मैं अपनी ट्रॉली में से निकाल दूंगी। और तूने जो मेहनत की है उसकी सैलरी मैं तुझे घर जाकर दूंगी, जो कि तू ही मुझे बताएगा सोच समझ कर। ऑलराइट? ऑलराइट। अथर्वा, तूने जो सामान लिया इसके हुए 200 रुपए, लिख ले। अरे यार, काश मैं पूरा सामान ले पाता,
कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तेरी तो कमाई ही कमाई होगी आज। मम्मा हाँ, आशा दीदी आज आई ही नहीं। हाँ तो क्या हुआ, हमारे पास है ना हमारा नया असिस्टेंट। क्यों अथर्वा, करेगा ना सारे काम? यस। हेलो, क्या अभी आई? अथर्वा जल्दी चल चल चल, इमरजेंसी है चल। मैंने तो सिर्फ बॉक्स सरकाया था, पता नहीं कैसे गिर गई। टेंशन मत लीजिए पापा, मुझे नहीं लगता ज्यादा चोट आई है, आई थिंक मोच है। कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है? मैं राजेश को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ। माँ आप बताइए, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ? नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको फर्स्ट एड दे देती हूँ, अगर उसके बाद भी पेन रहा और स्वेलिंग हुई तो डॉक्टर को बुला लेंगे, ठीक है? अथर्वा तू फटाफट एक काम कर, ऊपर घर जा और फ्रीजर में से आइस पैक ले आ, फटाफट जा। ओहो, गलती मेरी थी। मैं पानी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी राधिका, दरअसल मैं तुम्हारी ये बचपन की तस्वीर फिक्स कर रहा था, हटा देता हूँ अभी। अथर्वा फटाफट दो क्वेश्चन दे। सॉरी राधिका। सॉरी से क्या होगा, मेरी टांग के साथ मेरी कमर भी गई है। देखो फोटो पे डेट लिखो और चिपकाओ वहां पे एल्बम में। एक काम करो तुम ना, ये इस पैर की भी फोटो निकालो, उस पर डेट लिखो और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना कि मैं इस डेट पे गिरी थी। अब तू क्यों हंस रही है, क्या चौक मारा मैंने? माँ कभी कभी ना ट्रेजेडी से भी कॉमेडी याद आती है। अब क्या कॉमेडी की मैंने, मुझे भी बताना, थोड़ा मैं भी हंस लूंगी। एक काम कर, क्रेप बैंडेज लेकर आ, मेरे ड्रॉअर में। पिन कहाँ है अथर्वा? पिन लेकर आना, वहीं तो रखे हुए थे साथ में। देख अथर्वा, तेरी माँ ने कितना फर्स्ट क्लास बैंडेज बांधा है, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। बहू किसकी है? पापा, माँ ने भी तो मेरी डिलीवरी के बाद दाई माँ का सारा काम संभाल लिया था। अथर्वा मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे डिनर बनाना है, तू दादाजी के साथ बैठकर लिस्ट बना, हमें कल फिर से ग्रोसरी मॉल जाना है, ठीक है? फिर से? हाँ तो दादा दादी के यहाँ खाना नहीं बनता क्या? उनके यहाँ कपड़े नहीं धुलते, तो सामान तो लाना पड़ेगा ना। नो क्या बेटा जी, जल्दी जल्दी काम कर, तभी तो तू लखपति बनेगा ना। हाँ लखपति। दादाजी असिस्टेंट वागले, कितना हुआ काम का बिल? $4,520। वाह, तुम्हारी पहली कमाई। ये बिल मुझे दे देना, मैं साइन करके पापा को दे दूंगी, उनसे कैश कलेक्ट कर लेना। ओके मम्मी, एक क्वेश्चन था, आपने तो मुझसे डबल वो किया, फिर आपका बिल? हमने ये सोच के असिस्टेंट रखा था कि हम उसे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इस असिस्टेंट ने हमें ट्रेनिंग दी। वेल डन यंग मैन। ये रही आपकी पेमेंट, ₹4,520। थैंक यू। पर इसने आपको क्या ट्रेनिंग दी? अथर्वा ने मुझे ये ध्यान दिलाया कि मुझे भी अपने कामों का बिल रेस करना चाहिए। राज, टेलर का बिल ₹150, तेल की चंपी का बिल 450, दादी को कोल्ड कॉम्प्रेस देने का नर्स का बिल 2000,
2000 रुपए सिर्फ पट्टी बांधने का? हाँ तो होम विजिट थी ना, इमरजेंसी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। आशा की छुट्टी थी तो शेफ का बेसिक बिल 600 रुपए है, उसके अलावा सैलेड डेकोरेशन, स्वीट डिश और दही जमाने के अलग से, सो कुल मिला के 1200। क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं, रेगुलर थाली में इंक्लूडेड नहीं होते। हर रूम से कपड़े उठाना, उन्हें अलग अलग धोना, अथर्व के प्लेग्राउंड वाले कपड़े पहले गर्म पानी में धोकर फिर मशीन में लगाना, उन्हें सुखाना और फिर फोल्ड करके कबर्ड में रखना, और फैंसी कपड़ों को धोबी को देने का अलग हिसाब रखना। अरे हाँ, जो आता है उसे पानी देना, याद है फ्रेंड्स आते हैं, मेहमान आते हैं, चाय पिलाना, हर रूम से कप्स उठाकर अंदर ले जाना, प्लेट्स भी, और हर वक्त साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखना, यानी कि घर का आइकन और वागले फैमिली का ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमना। मम्मी ये तो प्रोफेशनल चार्जेस अप्लाई कर रहे हो। हाँ तो ये मेरा प्रोफेशन ही तो है कि नहीं? हाँ पर ये कुल मिला के फिर लाखों में चला जाएगा, कितना हुआ टोटल? 0? हाँ 0, सबसे पावरफुल नंबर। अगर किसी और नंबर में जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, 1 का 10 कर देता है, 100 कर सकता है, 1 करोड़ कर सकता है, और अगर किसी नंबर से तो फिर 1 करोड़ × 0 = 0 हमेशा। तो क्या चाहिए तुझे, कमाने वाली मम्मी या 0 वाली मम्मी? नहीं समझा? ला दे। राज जरा हिसाब करके बताओ ना। इट्स ऑलरेडी डन। 24,500 ये हाँ, एक दिन का खर्चा है, × 30 7,35,000 ये महीने की सैलरी हुई। तो अगर एक साल का कैलकुलेट किया जाए विथ 10% इंटरेस्ट तो मेरा आज का वर्थ होगा लगभग 1 करोड़। राइट, 1 करोड़। बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी कमा नहीं सकती, वो भी मेरी तरह जॉब करती थी, लेकिन तुम दोनों के पैदा होने के बाद ये सवाल उठा कि अब घर पर रहेगा कौन, तो हमने एक आया रखी। लेकिन एक दिन मम्मी ऑफिस से लौटी और उसने देखा कि अरे अथर्व ने पॉटी की है और वो फूट फूट कर रो रहा है, और जो आया थी वो घोड़े बेच कर सो रही है। तो ऑन द स्पॉट मम्मी ने ये डिसाइड किया कि तुम दोनों उसकी जॉब हो, और ये जो घर है ना वो उसका ऑफिस। पर डैड आप भी तो जॉब छोड़ सकते थे ना, मम्मा ही क्यों? वो मेरा डिसीजन था सखी, मेरी चॉइस थी। और अगर मैं अपनी वाइफ का डिसीजन सर आंखों पर नहीं रख सकता तो फिर मैं कैसा हस्बैंड हूं? और अपनी वाइफ की चॉइस का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। सेकंडली, सिंगल इनकम पर घर चलाना कोई इजी काम नहीं है। मैं भी तो कह सकता था कि बंधु सॉरी खर्चे बहुत है, तुम मेरी जॉब कर लो और मेरा हाथ बटाओ। मेरा सैक्रिफाइस सिर्फ मैंने नहीं, तुम्हारे डैडी ने भी किया है। इस महंगे शहर में अकेले आदमी के इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने मुझे मौका दिया चूज करने का, और कभी भी किसी और औरत से कंपेयर नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ये। वंदु तुमने भी तो पैसे जोड़ जोड़ कर FDs में डाले। याद है बच्चों, जब ये घर खरीदना था ना तब उसके डाउन पेमेंट के लिए वो FDs तोड़कर मम्मी ने पैसे दिए, और ये पैसे वो कहां से लेकर आई ये मैं नहीं जानता। कमाल है इन हाउसवाइफ का, कहां से कैसे पैसे बचा करके लाती हैं ये पता ही नहीं लगने देती। अथर्व पैसे से तो दुनिया खरीद सकता है बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तू जो ये देख रहा है ना तेरे सामने, तेरे मम्मी और डैडी का प्यार, एक दूसरे का साथ देना, ये करोड़ों रुपए दे के भी ना नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि ये दिल का ओवरटाइम है। अब फिर से कहो कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करते? नहीं। So students, let's begin our class today. Ma'am, I want to say something. Yes, Atharva, what is it? मैंने आप सबसे एक झूठ कहा था,
कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है 9 to 6, बट वो ऑफिस नहीं जाती। ओके, मतलब शी इज अ होममेकर, राइट? नहीं, सिर्फ एक होममेकर नहीं, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, शेफ भी है, एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेरी मम्मा सिर्फ 9 to 6 नहीं, फुल 24 आवर्स वर्क करती है। हम सबकी फेवरेट नंबर 1 हीरो, माय मॉम। तो अथर्वा, अपने फेवरेट हीरो से अपनी क्लासमेट्स को नहीं मिलवाओगे? वो देखो। इस इमोशनल भाषण का बिल भेज दो। My number one hero is my mom. अथर्व को तो समझा दिया राजेश ने कि होम मेकर वंदना क्या कुछ नहीं करती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।